हेलो गाइस, वेलकम टू द एयरलाइन मैनेजर गेम प्ले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्ले लाइक अ प्रो, कि आप कैसे एक स्टार्टिंग से लेके अभी आप देख सकते हो मेरे बहुत बड़ी फ्लीट है और मेरे पास लगभग 15 स्टार भी हो गए अभी और मेरा रैंकिंग है 8,239। फिर भी कमी है, बट अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 महीने लगे लगभग। तो आप ऐसे नहीं कि एक दिन में या फिर 1 महीने में ऐसे यहाँ तक पहुँच जाओगे, तो इसको टाइम लगता है। ऐसे इसको थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। इनिशियली तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इस गेम में, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कुछ पैसे नहीं होते या एयरक्राफ्ट नहीं होते ज़्यादा, तो हमारे पास इनकम भी ज़्यादा नहीं आती है। तो इनिशियल के स्टेज में तो आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है अगर आपको मेरे जैसे प्ले करना है या फिर और भी आगे जाना है, 1000 रैंकिंग में जाना है। तो आपको बहुत अच्छे से प्ले करना होगा, थोड़ा पेशेंस करना होगा, रोज़ गेम को ओपन करना है और देखना है कि आपका क्या स्टेटस है, क्या आप कहाँ पे लैग हो रहे हो, कहाँ पे लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं और आपको रिसर्च करनी है बहुत सारी, तभी जाके आप इस लेवल पे आ जाओगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, देख सकते हो आप। अदरवाइज़ क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हम गेम से बोर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे नहीं आ रहे, क्या करें, लगता है कि अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि टाइम लगता है, इनिशियल टाइम तो लगता है, लगेगा आपको। तो वो आपको फिक्स करना है कि थोड़ा टाइम लगे। तो इनिशियल स्टेज में आप क्या कर सकते हो कि दिन में ज़्यादा टाइम गेम को ओपन नहीं करना है, दिन में 2 बार मैक्सिमम टाइम ओपन करना। तो क्या होगा, थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो आपके पास, तो जैसे जैसे आपके एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे, जैसे रूट बढ़ेंगे, तो आपके पास इनकम ज़्यादा आने लगेगी और आप गेम में आगे बढ़ना शुरू कर जाओगे, राइट। तो देख सकते हो मेरे पास टोटल 7 हब है अभी। 7 हब भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, मैंने एक दो ज़्यादा खरीद, 4-5 भी होते तो मैं उसको एक्सपांड करना चाहिए था मैंने, बट मैंने ज़्यादा हब खरीद लिए, तो कोई नहीं। और मेरे पास टोटल रूट है 199 और टोटल नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट है 350 के लगभग है, और टोटल किलोमीटर आप देख सकते हो कितना हो रहा है, और बैलेंस अभी मेरे पास 7 बिलियन है, तो मेरे एयरलाइन की वैल्यू 78 मिलियन है, राइट, 78 बिलियन। अब रैंकिंग में आप देखोगे तो मेरे से भी ज़्यादा रैंकिंग वाले होंगे लोग, बट उसमें हमें देखना पड़ेगा उस हमें कहाँ पे हम लैग हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी देखते हैं मेरी रैंकिंग है, अब दिखाता हूँ मैं, देखिए मेरा रैंक है ये वाला जो मराठा एयरलाइन है, ये फर्स्ट वन जो नीचे से लास्ट, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा जो एयरलाइन का वैल्यू हो 74 बिलियन है, तो मेरा रैंकिंग है इतना, राइट। बट मेरे से ऊपर एक बंदा है, उसका जो एयरलाइन का वैल्यू सिर्फ 45 बिलियन है, बट उसका रैंकिंग मेरे से भी ज़्यादा है, तो देख सकते हो आप। तो ऐसे होता है कि ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मैं अच्छा प्ले कर रहा हूँ, बट आपको देखना है कि आप कहाँ पे लैग हो रहा है। मुझे मैं देखूँगा उस बंदे ने क्या किया, उसके पास कौन से रूट है, या फिर उसने एक कौन से इसमें डील करता है, लॉन्ग हॉल में करता है, मीडियम हॉल में करता है, या फिर किस में उसके रूट कौन सा है, या फिर वो उसके पास एयरक्राफ्ट कौन सा है, उस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें फॉलो देखना है कि हम कहाँ लैग हो रहे हैं, हमारी गलती कहाँ हो रही है। तो ऐसे देखना है और रिसर्च करना है आपको, इस बिल्डिंग के आइकन पर क्लिक करना है। रिसर्च इस गेम में बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिसर्च करोगे तो होगा, आपको टैक्स में थोड़ा एक कट ऑफ मिलेगा, आपको एयरक्राफ्ट अनलॉक कर पाओगे आप अलग अलग तरीके, सर्विसेज में जाओगे तो उससे आपको थोड़ा पैसेंजर डिमांड बढ़ेगी, आपको थोड़ा कॉस्ट कम होगा, आपके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी और ऐसे अब देखो अभी आप अगर डील करते हो इकोनॉमी में या फिर लॉन्ग हॉल में, तो आपको पंचुअलिटी और एंटरटेनमेंट में ज़्यादा रिसर्च करना है इनिशियल में, तभी देखिए। अब मैंने सारे एंटरटेनमेंट में रिसर्च कर रखा है, तो आपको भी जितनी हो सके रिसर्च करते रहो, रोज़ गेम को ओपन करो, रिसर्च पे डालो, सब कार्गो ओपन कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो अगर थोड़े बहुत पैसेंजर भी कम हो रहे तो हम उसको कार्गो में डाल सकते हैं, राइट। तो कार्गो करो, ह्यूमन रिसोर्स में जाओ, उसमें भी थोड़ा बहुत आप रिसर्च करते रहो कि इसमें क्या होता है, थोड़ा एम्प्लॉय का वो सब ये होता है, तो थोड़ा बहुत हमें एजेंसी पार्टनरशिप हो जाती है उसमें भी, हमें थोड़ा बहुत अभी तक मैंने इसमें ज़्यादा इस रिसर्च नहीं की ह्यूमन रिसोर्सेज में, ज़्यादातर मैंने जनरल में किए, सर्विसेज में किए, राइट, और कार्गो में भी मैंने सब कुछ रिस्क कर रखी है।
और ये सारी बैंक्स है, इसमें लोन मिल सकता है आपको। तो बैंक से भी सारा आप ये सारी बैंक से मैंने रिसर्च कर रखा है, तो आपको लोन मिलने के लिए आसानी होगी। तभी मतलब रिसर्च करोगे तभी आपको लोन मिलेगा यहाँ से, राइट। तो ये रिसर्च तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सबसे मतलब इनिशियल में तो पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने अब मेरे गेम प्ले देखते हो तो मैंने सबको बताया कि हमें मैं सिर्फ लॉन्ग हॉल में ही डील करता हूँ। लाइक अभी ये तो मैंने मेरे पास एक भी मीडियम हॉल भी नहीं है, शॉर्ट हॉल भी नहीं। क्यों लॉन्ग हॉल? क्योंकि हमें क्या होगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे लॉन्ग हॉल में और फ़ायदा होगा, राइट। मीडियम हॉल में क्या करोगे? अब मीडियम में क्या होता है कि उसमें पैसे मिलेंगे बट क्या होगा, उसमें कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। एक ईयर का हम दिन में 2 बार एक जगह भेज रहे, तो उसके मतलब क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट का फ्यूल जा रहा है डबल, बार बार फ्यूल वेस्ट हो रहा है, तो फ्यूल का कॉस्ट तो हमसे हमारे इससे ही कटेगा, राइट। तो वो चीज़ बच जाएगी अगर आप लॉन्ग हॉल लेते हो तो, राइट। अभी बाद में हम ले सकते हैं कि शॉर्ट हॉल भी लेंगे, मीडियम हॉल भी लेंगे, बट इनिशियल में तो आपको यही करना है कि आपको हमेशा लॉन्ग हॉल और इकोनॉमी ले रहे हैं जितना हो सके। अगर इकोनॉमी पैसेंजर है ही नहीं तो फिर हम क्या थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बिजनेस क्लास की, इस फिर सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी बिजनेस क्लास, उसके बाद कार्गो भी ले सकते हो, राइट। तो और सबसे पहले कि आपको जितने भी एयरक्राफ्ट है आपके पास, कोई भी एयरक्राफ्ट हो चलो, बट उसको आपको 100% यूज़ करना है, ऐसे छोड़ना नहीं। मैक्सिमम आपको अभी 90% तो होना, मिनिमम 90% होना चाहिए कोई भी एयरक्राफ्ट, राइट। अभी मेरे पास देख सकते हो जितने भी अभी कुछ एयरक्राफ्ट बचे हैं मेरे पास, तो मेरे पास देखते 95% से कोई भी कम नहीं, एक दो है उसमें मैं अभी एडजस्ट कर दूंगा, कल ही मैंने उनको शेड्यूल किया था। तो देख सकते हो 95, मेरे पास 350 एयरक्राफ्ट है बट कोई भी एयरक्राफ्ट मेरा 95 से कम नहीं है। अभी देख सकते हो मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट कि मेरा सबसे कम वाला एयरक्राफ्ट। देखिए अभी ऊपर तो अभी बाकी है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट है मेरे जो कि 95% से कम है, मतलब 350 एयरक्राफ्ट से 350 एयरक्राफ्ट में से सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट है जो कि 95। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि आपको पूरा पूरा यूज़ लेना है आपके एयरक्राफ्ट का जितना भी हो सके। आप अभी इनिशियल स्टेज में क्या कर सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो, यहाँ पे बैंक है, लोन तो लेना ही पड़ेगा आपको इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। अभी भी मेरे पास भी बहुत सारे लोन है बैंक के, अभी इतने मेरे पास इतने पैसे में पे भी कर सकता हूँ, बट अभी वो चल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी लोन लेते हो तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा लेना है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ उस लोन लिया बैंक से और कुछ और ही आपने कर दिया उसका, ऐसा नहीं करना है। तो लोन ले रहे हो तो आपको उसका तो अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट खरीदो या फिर अच्छे रूट खरीदो, तभी जाके मतलब लोन ले रहे हो तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोन लिया फिर घाटा ही हो गया, फिर लोन का हफ्ता भी जा रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो फिर तो लॉस में ही चला जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो अगर इनिशियल स्टेज में आप रिसर्च को थोड़ा सा बंद भी कर सकते हो, आप देख सकते रिसर्च में क्लिक करोगे तो ये जो ये है ना, इसको आप जीरो भी कर सकते हो। देखिए क्योंकि क्या होता है, अगर इसको आप जितना बढ़ाओगे तो अभी मेरा देखिए मैंने डेली बजट 10 मिलियन का रख दिया, तो क्या होगा मेरा हर रोज़ 10 मिलियन कन्वर्ट होगा रिसर्च डॉलर में, जो कि मुझे मिलेगा 7 मिलियन। मतलब 10 मिलियन में डॉलर दे रहा हूँ और रिसर्च डॉलर मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 7 मिलियन। तो आपको अगर इनिशियल स्टेज में आप इसको कम मतलब जीरो भी कर सकते हो, फिर क्या होगा वो मतलब ये होगा कि आपको रिसर्च नहीं कर पाओगे, बट या चलेगा इनिशियल स्टेज में चलेगा ना, रिसर्च नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट रिसर्च ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें सब बहुत ही मैटर करती है कि आपको और डेली आपको लॉगिन करना है या सब गेम खेलना है जो भी दिखा रहे हैं, मेंटेनेंस करना है आपको। अब इनिशियल स्टेज में मेंटेनेंस करने के लिए पैसे पे मत करो, आप गेम खेल के, मेरे पास जब तक मेरे पास 150 एयरक्राफ्ट थे तभी मैं पैसे पे नहीं करता था मेंटेनेंस के लिए, मैं हमेशा वो गेम खेल के ही अपना मेंटेनेंस करता था। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट हो गए तो मैं क्या करता हूँ और पैसे पे कर देता हूँ, यहाँ से मेंटेनेंस सेलेक्ट करता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको देख लेना मेंटेनेंस कैसे करना है। तो राइट, तो अभी तो मैं पैसे पे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा आता है, कि इसलिए कि बाकी तो कुछ नहीं है, बट इनिशियल में आपको पैसे बचाने ज़्यादा पैसे ये नहीं कहता। आप देखो तो मेरा डेली का टर्न अराउंड 900 मिलियन के आसपास है, और मेरा वीकली जो आता है फॉरकास्ट मैं भी करता है इस वीकली का, तो मेरा लगभग 6 बिलियन के आसपास है, राइट। देखिए 6 बिलियन मेरा मतलब पर वीक मीन्स
24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स में मुझे 6 बिलियन का प्रॉफिट है फ्लाइट से, सॉरी प्रॉफिट नहीं, टोटल रिजल्ट है। फिर उससे मुझे प्रॉफिट हो जाता है लगभग 3 बिलियन का, मतलब उसमें हमारा टैक्स चला जाता है 3 बिलियन और इन राइट, और डॉलर ट्रांसफ़र होते हैं वो 71 तक, और जो लोन पेमेंट जाता है हमारा 145 मिलियन का लोन पेमेंट जाता है। तो ऐसे अभी तो इसको और बढ़ाएंगे, 100 बिलियन तक ले जाएंगे पर वीक का। तो बने रहिए आप मेरे चैनल को, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक आप देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। अगर पसंद आता है लाइक किया करो, तो क्या मैं वीडियो जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा, आपके नए नए टिप्स देता रहूँगा इस एयरलाइन मैनेजर के ऊपर। और सबसे पहले, और इधर ऊपर जो एम कॉइन्स है आपको दिख रहे हैं, इस एम कॉइन को भी आपको वेस्ट नहीं करना है जो दिख रहे, सॉरी एक मिनट, जो एम कॉइन्स है इनको वेस्ट नहीं करना है आपको, राइट। जो एम कॉइन है कभी भी उसको फालतू खर्च नहीं करना है, जो भी बहुत ज़रूरत हो तभी उसको यूज़ करना है। और ट्रैवलर्स कार्ड के आप मिल सकते हैं आपको, जो आपको यहाँ से गेम खेल के मिल जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे एजेंडाज दिए उसको कंप्लीट किया करो तभी आपको, अभी देखिए मुझे, मेरे पास 15 स्टार, मेरे पास और एक स्टार आ गया, तो मुझे थोड़ा इससे बोनस मिलता है आपको, तो फ़ायदा होता है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर और हाँ, यहाँ जो अर्थ वाला आइकन है उस पर क्लिक करो, और नेटवर्क मैनेजमेंट जाना है आपको, और देखिए आपका फ्लीट का कहाँ परफॉर्मेंस, कौन सी फ्लीट डाउन जा रही है, कौन सा क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज करो। अगर अब देखिए मेरे सब डाउन दिखा रहा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं देखूंगा अभी क्यों डाउन दिखा रहा है, राइट। इसमें कोई पैसेंजर तो कम नहीं हो गए या फिर कहीं पे अब देखिए ये जो रूट दिखा रहा है डाउन दिखा रहा है, तो मैं देखता हूँ जाके इसमें क्या दिखा रहा है। अभी देखिए ये डाउन दिखा रहा है, तो मैं देखता हूँ प्राइस चेंज करते हैं, अगर प्राइस कुछ चेंज कर सकते हैं तो हम देखिए ऑडिट करते हैं एक बार। तो प्राइस में थोड़ा सा बता रहे डिफरेंस, तो मैं देखता हूँ डाल के कुछ होता है क्या, तो सिमुलेशन करते हैं, तो थोड़ा सा हो गया बट चलेगा इतना बट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डाउन इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे पैसेंजर बचे हैं, ठीक है, 1300 पैसेंजर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर एक नया एयरक्राफ्ट परचेस करेंगे, उस पर लगा देंगे। और इसमें लास्ट टाइम आई थिंक थोड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है, इसलिए भी यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि अभी ये थोड़ा सा एक आइकॉन दिख रहा है, आप देख सकते हो ये वाला, राइट, ये वाला है क्योंकि ये ऐसे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो रखा है इस एयरक्राफ्ट के साथ, में भी हो सकता है इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा इसलिए। तो ऐसे आपको चेक करना है रोज़ जाके, राइट, तभी आप ग्रो करोगे। ऐसे नहीं कि कुछ पैसे नहीं मिल रहे इसलिए गेम खेलना छोड़ दिया, अगर आप खेलना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी। तो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।